इतना तगड़ा आवाज कर रही है यार, क्या तगड़ा दहाड़ रही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भाई। और आज मेरे ख्याल से मेरा लास्ट डे होगा जो मैं इसे चला रहा हूँ आज, तो उसके बाद पता नहीं कब चलाएंगे। तो सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना कर ही चलते हैं, क्योंकि अब से आप लोग मेरे पास बस RS देखोगे, रॉयल इनफील्ड देखोगे नहीं। और ऐसा क्यों, क्या हो रहा है, बाइक बेच रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, सब बातें आप लोगों को बताऊँगा मैं आने वाली वीडियोज़ में, आपको सब पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल आज इसका लास्ट राइड लेने जा रहे हैं, और आज इतना प्यारा चल रहा है ना यार, इतना दहाड़ते हुए चल रहा है अपना इनफील्ड, इतना खूबसूरत। देखो यार, खूबसूरत तो है ही, स्टैंडर्ड नो डाउट, और इसे मॉडिफाई करा दो तो और खूबसूरत लगने लगता है, लेकिन मॉडिफाई भी थोड़े से अच्छे से कराना पड़ता है, कुछ ज़्यादा लोडिंग्स नहीं। और बाकी देखा जाए तो आज फ्राइडे था भाई, अपन कुर्ता पजामा में से पहली बार चला रहे हैं ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा तो हमने चलाया। कुर्ता पजामा पहन के यार, जेन्युइन सी बात बोलूँ कि हेलमेट पहन के मैं नहीं चलता हूँ यार रॉयल इनफील्ड में। मैं गली वगैरह से ट्रैवल कर लेता हूँ, लेकिन मेन रोड पे नहीं आता हूँ। वो सबको पता है भाई, नॉन हेलमेट हेलमेट सब चलते हैं, वो कोई छुपाने की बात नहीं है। हम भी यार, आप ही लोग जैसे हम लोग भी है कि जहाँ दिक्कत होता है वहीं हेलमेट लगाते हैं, बाकी जहाँ दिक्कत नहीं है वहाँ तो बिना हेलमेट के भी चले जाते हैं। तो ये सब बातें बाद में वक्त करेंगे, सबको पता है कौन क्या है। अभी फ़िलहाल अपन चल रहे हैं ऐसी भुजा, यार मूड ख़राब कर देता है दायां बायां कट के लोग। बाकी अपना एग्जॉस्ट अभी थोड़ा सा लो हो गया, आगे से बहाएंगे ना तब। आप लोगों ने इसके बैक फायर का साउंड सुना होगा, और अभी भी कर रहा है। यार जितनी मर्जी कोई भी बाइक चला लो, जब स्टैंडर्ड चलाता हूँ ना तो लगता है कि भाई कुछ चला है। सुपर बाइक देखो मैंने अभी तक चलाया नहीं है, सुपर बाइक जिस दिन चलाऊँगा उस दिन बताऊँगा आप लोगों को कैसा फील आता है। लेकिन कोई भी स्पोर्ट्स बाइक चला लो सिंगल सिलेंडर कैटेगरी की, एंड उसके बाद स्टैंडर्ड चलाओ, देन आपको पता चलेगा सिंगल सिलेंडर में स्टैंडर्ड क्या है। ये जो आवाज़ करता है ना भाई, इसका एग्जॉस्ट का ये मिस करूँगा भाई, और क्या। बाकी तो सब कुछ बढ़िया है ही, अपन अब RS में ज़्यादा दिखेंगे, स्टैंडर्ड तो आने वाली वीडियोस में पता चलेगा स्टैंडर्ड कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है इसके साथ, क्या नहीं हो रहा है। अभी फ़िलहाल ये खींचते हैं एंड छोड़ते हैं। ये करने में बड़ा मज़ा आता है यार, ये करने में बड़ा मज़ा आता है। फिलहाल चलो, और लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये चलाने में जितना मज़ा आता है ना स्टैंडर्ड, कोई बाइक में मेरे को नहीं आया। और अभी लगता है सही इन्वेस्टमेंट है अपना ये। बाकी बात यहाँ से हम थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे इसको आज लास्ट टाइम, एंड उसके बाद तो फिर अपन कब चलाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे आने वाली वीडियोस में। सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर रखना भाई, और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना, सब कुछ आप लोगों को पता चलता जाएगा। और तबाही सीन है यार अपने स्टैंडर्ड के साथ, बड़ा मस्त चलती है, और आवाज़ तो आप लोगों ने सुना ही। आप लोगों ने इसकी पटाखा वाली मतलब बैक फायर वाली वीडियो देखी होगी, जिसमें यार नॉन स्टॉप तगड़ा पटाखा फूटते जाता है। एंड लिटरली बता रहा हूँ, थोड़ा सा बस इंजन को गर्म होने में ये टाइम लेता है थोड़ा सा, एंड उसके बाद जो ये फूटता है यार, मज़ा आ जाता है यार इसका आवाज़ सुन के। चलो ऐसे स्पोर्ट्स बाइक जैसे स्टैंडर्ड चलाऊंगा तब तो हो गया यार, इसे आराम से फील करके चलाने का, और मैं तो इसे एकदम उड़ा देता हूँ। मस्त चलाओ जितना धीरे हो सके, टाउन वगैरह पे ये बाइक बहुत ही तगड़ी लगती है यार, एकदम रोला काटते हुए जो होता है ना वैसा चलती है। और बाकी अपन तो वैसा चलाते हैं, आज थोड़ा सा फ्राइडे था, आज कुर्ता पजामा पहने हुए, तो आज फोटो देखते कैसा आएगा। अभी जाएंगे फ्रेंड के पास अपना में, वहाँ पे वो फ़ोटो वगैरह क्लिक कर देगा, क्योंकि मैं अकेले निकला हूँ भाई, अकेले मोटर व्लॉग कर रहा हूँ अपने स्टैंडर्ड पे। और इसे चलाने में बड़ा मज़ा आता है भाई,
कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कितनों के पास रॉयल इनफील्ड मशीन है। हालांकि मेरे ज़्यादा व्यूअर्स के पास रॉयल इनफील्ड है, और आप लोगों ने कौन सा मॉडिफिकेशन करा रखा है, क्या करा रखा है, ये सारी बातें आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। बाकी मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, और मैसेज वगैरह भी आता है इंस्टाग्राम पे, कुछ पार्ट्स वगैरह किन्हीं को चाहिए तो वो भी पूछते हैं। तो मैं बता देता हूँ जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ, न्यू बिहार ऑटो वाले, वहाँ से फिर कॉन्टैक्ट करवा के उन्हें पार्ट्स वगैरह भी मिल जाता है, तो सब कुछ हो जाएगा। आज अपनी स्टैंडर्ड में देखो ज़्यादा मॉडिफिकेशन है नहीं, जब मॉडिफिकेशन कराने का टाइम आया तब तो मैं था नहीं यहाँ पे भाई, मैं शिफ्ट हो गया हूँ कोलकाता, ये बातें आप लोगों को पता होगा, और मेरा कॉलेज है उसके लेके भाई। और बाकी ये स्टैंडर्ड जो है वो घर पे सब चला रहे हैं मेरे, तो इसका बहुत जल्द जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हम लोग कराएंगे, या तो इसका एग्जॉस्ट चेंज करेंगे, हमारे पास एक एग्जॉस्ट रखा हुआ है, या तो अलॉय व्हील्स इसमें डालेंगे। अलॉय व्हील में डालने इसलिए नहीं खोज रहा हूँ क्योंकि 5000 इसका टायर चला है भाई, एंड 5000 में आपको पता है, 5600 मान लेते हैं भाई, पूरे ही बताते हैं, उतना इसका टायर चला है, एंड उतने टायर में आपको पता है कि टायर घिसता नहीं है, टायर उसमें बहुत सारी गोटी है, ऊपर से अभी समझ जाओ ट्यूब टायर है, तो आपको समझ में आ रहा है वो उतना घिसा नहीं है बाइक। लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर भी सोच रहे हैं, इन फ्यूचर कुछ ना कुछ तो ट्रिप हम लोग मारेंगे, क्योंकि रॉयल इनफील्ड ही होती है ट्रिप मारने के लिए भाई, ट्रिप वगैरह करने के लिए स्पोर्ट्स बाइक वगैरह होती नहीं है। लेकिन अभी इसके साथ क्या होने वाला है वो तो पता नहीं, ट्रिप वगैरह का जो मैं प्लान कर रहा हूँ अभी, ये क्या होगा नहीं होगा मेरे को पता नहीं है। चलो अभी फ़िलहाल हम लोग ऑफ रोड हैं यहाँ पर थोड़ा सा, और ऑफ रोड में यार बड़ा तगड़ा साथ देती है स्टैंडर्ड, सबसे पावरफुल मशीन है सिंगल सिलेंडर के मामले में रॉयल इनफील्ड, आप लोगों को पता होगा भाई। और ये देख रहे हो ये सारे ऑफ रोड करने में बस एक ही दिक्कत होता है कि आपका रिम बेंड होने का चांस है, जो कि मेरा थोड़ा सा हो चुका है, इसलिए आराम से निकालो गड्ढों गुड्ढों से, एलॉय में कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन ये जो रिम्स है इसमें दिक्कत आता है, कभी स्पोक टूट जाएगा स्पोक व्हील का, और या तो जैसे मेरा हल्का सा कहीं पे मेरे को बेंड दिखा है, दिक्कत तो नहीं होता है, आराम से अभी चला लेता हूँ, लेकिन तब भी वो बहुत ही ख़राब चीज़ है भाई, उसे जल्दी मेरे को चेंज कराना होगा, कुछ पैसे आएंगे तो मॉडिफिकेशन में लगाऊंगा, अभी तो बाकी सेविंग चल रहा है। और सेविंग क्यों चल रहा है, देखो एक बड़ा प्लान किए हैं मैं, उम्मीद तो है हो जाना चाहिए इंशाल्लाह, लेकिन आप लोग भी अगर साथ रहोगे तो और देखते हैं क्या होता है। फिलहाल चलो चलते हैं अपन, और आज लास्ट टाइम इसे चला रहे थे, इसके बाद पता नहीं कब चलेगी ये हमसे, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ देखते जो होगा देखा जाएगा। तो भाई कच्चे रोड से निकल के पक्के रोड में आ गए हम लोग, और कैमरा ऑफ कर दिया था क्योंकि भाई बहुत पतली पतली गली थी, सोचा पहले निकल लेते हैं उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मेन रोड पे आ गए अपन, और मेन रोड पे ओ माय गॉड, चलो अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे एंड उसके बाद अपने फ्रेंड के घर चले जाएंगे, और होपफुली आपको समझ में आया होगा भाई क्या फील आता है। एक तो मैंने बहुत मेहनत से परचेज करके लिया, सोचा लंबा चलाऊंगा, पर आप समझिए क्या होता है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताना हमें यार कि आप लोग क्या कहोगे रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड। बाकी अपना स्टैंडर्ड तो अच्छा खासा मतलब दहाड़ता है यार, लिटरली बहुत ही तगड़ा दहाड़ता है, नो डाउट, मज़ा आ जाता है इसे दहाड़ने में, मतलब इसकी आवाज़ सुनकर ना दिल खुश हो जाती है। और पुराना है मतलब BS4 है, और तो इसका आवाज़ में वो वाली दम भी रहती है, नया रहता है तो उतना दम नहीं रहता, लेकिन जो बेस, जो लाउडनेस एंड जो तहलका अपनी स्टैंडर्ड मचाती है ना भाई, सी विंड पाइप अगर इसमें मैं लगा दूँ तभी आग के गोले वगैरह सब कुछ होने लगेगी, इतना उम्मीद है। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें सी विंड पाइप नहीं लगाना है, अभी हमने पूरा वीडियो ही नहीं बनाया है स्टॉक बैंड पे, कंप्लीट वीडियो ही नहीं बनाया, मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था, लेकिन बनाएंगे जल्दी, वो सब कुछ बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता दो आप लोग किस टाइप का वीडियो चाहते हो, आप लोग जैसा वीडियो कहोगे टाइम निकालूंगा मैं, पूरा कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। देखो डेली वीडियो तो अपना एक एक आ जाता है, लेकिन एक होता है ना स्पेसिफिक वीडियो जो आप लोग कमेंट करते हो, उसमें मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ, तो उसे मैं सुधारूंगा, पूरी कोशिश है। जब से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ है तब से समझ जाओ YouTube के लिए मेरे को टाइम थोड़ा सा ना के बराबर मिल रहा है, लेकिन तब भी अपनी तो पूरी कोशिश रहेगी।
चलो अपन अब निकलते हैं भैया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और हाँ, अभी एयरपोर्ट रोड में अभी यहाँ से सीधा जाएंगे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और हाँ भाई 100K करवा देना हमारे प्लीज़, बाकी एग्जॉस्ट नोट सुनते हुए जाओ।